दोस्तों, आज की कहानी है बाबी जी। मेरे भैया की सैलरी पर आपका कोई हक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। धोखा हमने या मम्मी ने आपको कब धोखा दिया? बोलने से पहले कुछ तो लियाज किया होता। आप घर की बड़ी बहू हैं, मम्मी ने और हम सभी ने हमेशा आपको मान दिया। सभी रिश्तेदारों में आपकी प्रशंसा करते और आप हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। क्या और कितना धन आपका हम सभी ने लूट लिया। वैसे भी आप भूलना मत भैया के धन पर। पहला हक माँ बाप का ही है, स्वाति ने गुस्से से बोला और साथ ही आखिरी वाक्य पर ज्यादा जोर लगा दिया। मान, जिस मान की आप बात कर रही दीदी, वही तो धोखे का जाल है। जरूरत से ज्यादा समझदार सास यही तो करती है। बहू को डराने, धमकाने और ताने मारने की जगह प्यार और मान का सुरन सटा दो, जिससे बहू आराम से थोड़ा थोड़ा स्वाद लेकर हंसती रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी बहू पर आजमाया जाता है, क्योंकि अगर उसे इस सटपटे स्वाद की आदत हो गई तो बाकी की बहुओं को सुरन देने की जरूरत ही नहीं। बड़ी बहू के साथ आराम से फिर जिंदगी बीत ही जाएगी। और उसी की बात सुन सभी उसे हैरान से देख रहे थे। बड़ी भाभी क्या बात है, आप कहना क्या चाहती हैं? हम सभी जानते हैं कि मम्मी जी ने हम बहुओं पर कभी भी अपनी मर्जी नहीं थोपी। वह ने हमेशा अपनी बेटी की ही तरह रखा और वही प्यार भी दिया। आरुषि की सबसे छोटी देवरानी नीरा हैरान थी कि आज आरुषि भाभी को क्या हो गया है। नीरा के बेटे के मुंडन संस्कार में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। मुंडन संस्कार मंदिर में था और वहीं पर खाना भी आरुषि की देखरेख में सभी इंतजाम अच्छे से हो गया। बाकी रिश्तेदार तो मंदिर से ही चले गए, लेकिन दोनों नंदन का परिवार साथ में चला आया। घर आकर सभी आराम करने चले गए, लेकिन आरुषि को ये कह कर कि तुम बड़ी बहू हो, सब अच्छे से सामान रखवा देना बोलकर सास माला जी अपनी बेटियों के साथ अपने कमरे में चली गई। बड़ी देवरानी रंजना सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में चली गई और नीरा का बेटा रो रहा था तो उसे खुद आरुषि ने ही आराम करने भेज दिया। सब काम निपटा कर आरुषि आराम करने की सोच रही थी कि ससुर जी का पैगाम आ गया कि बड़ी बहू से कहो कि साये के साथ पकौड़े और चटनी भी बना दे। आरुषि सुबह साफ किचन में जाकर तैयारी करने लगी। बाहर आ गई 2 घंटे पहले जिन नंदों ने ये कहा था कि शाम को नहीं आएंगे, वो भी दो प्लेट पकोड़े सट कर गई। और थोड़ी देर बाद अंदर बार आरुषि के पकोड़ों के गुणगान होने लगे। सभी ने पेट भर कर खाया, लेकिन एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा कि आरुषि तुमने खाया। का भी खाना निपटा कर सभी लिविंग रूम में बैठ कर बातें करने लगी और आरुषि अभी भी किचन में सुबह के नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। आरुषि बहुत थक गई थी और आराम करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में जाने लगी उसे माला जी ने टोक दिया कि अभी घर के दामाद जगे हुए और अगर कुछ मांग बैठे तो तुम घर की बड़ी बहू अभी कैसे सो सकती हो। ना साधे हुए भी आरुषि को सबके साथ बैठना पड़ा। बातों का सिलसिला निकला तो नाते रिश्तेदारों की बुराई भी होने लगी और तभी मसला निकला धोखे का। और भी रिश्तेदारों के धोखे पर कसीदे पढ़े जाने लगे। आरुषि सभी की बातें सुख साफ सुन रही थी, तभी बड़े दामाद जी उसे खामोश से पूछ बैठे, बड़ी भाभी क्या आपने
कभी धोखा खाया है और हाँ तो किसने दिया। थकी आरुषि तंज हंसी के साथ बोली, जीजा जी सच में आप सभी जानना चाहते हैं कि मुझे धोखा किसने दिया। आरुषि के इस सवाल पर सभी में उत्सुकता हो गई और सभी ने हाँ कहा। तो आरुषि ने कहा, पिछले 7 सालों से मम्मी जी और आप सभी मुझसे धोखा कर रहे। आरुषि के ये कहते ही वहाँ सन्नाटा सा गया। फिर छोटे नंदुई जोर से हंसते हुए बोले, मान गए भाभी जी, आपका जेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मजाक किया। छोटे जीजाजी, मैं मजाक नहीं कर रही, आपको सत्य बता रही हूँ। सच में 7 सालों से मेरे साथ धोखा हो रहा। आरुषि ने जब अपनी बात दोहराई तो बड़ी ननस्वाती गुस्से से बोल पड़ी, मेरा बेटी की तरह समझा, लेकिन बेटी माना नहीं। अगर मानती तो उन्हें इस बड़ी बेटी का दर्द भी दिखता। धोखा सिर्फ पैसों से नहीं दिया जाता, धोखा भावनाओं का भी होता है। मैंने तो अभी अपनी बात में कहीं भी पैसों का जिक्र नहीं किया, लेकिन स्वाति दीदी ने तुरंत ये एहसास करा दिया कि पति की सैलरी पर पहला हक सास ससुर का होता है। वैसे बड़े जीजा जी, आप बताइए, अभी दीदी ने पैसों को लेकर जो नियम बताए, क्या वो इसका पालन करती हैं? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप अपने परिवार से अलग रहते हैं। आरुषि के इस बात पर स्वाति और बड़े जीजाजी ने सिर झुका लिया। बहु तुम कहना क्या चाहती हो, आज जब इतना बड़ा इल्जाम लगा ही दिया है तो खुलकर बोलो। माला जी की आवाज़ में तलखी आ गई। तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम जैसा करोगी वैसे ही दोनों बहुएं करेगी। तुम अगर सिर पर पल्ला नहीं लोगी तो छोटी कैसे लेगी। तुम जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही छोटी करेगी, और फिर उसके बाद ना जाने कितने नियमों को मुझसे वहन करवाया गया। लेकिन क्या हुआ, रंजना ने आते ही ऐलान कर दिया कि उसे साड़ी पहनना नहीं आता, तो तुरंत मम्मी जी का नियम बदल गया। जहाँ मेरे सिर से पल्ला नहीं हटता था, वहीं रंजना आराम से सूट पहनकर घूम रही थी। फिर आई नीरा और अब तो जींस शर्ट सब अच्छा लगने लगा। नाना, तुम दोनों ये मत समझना कि मुझे कोई समस्या है तुम्हारे कपड़ों से। सच कहूँ तो तुम दोनों को देख कर अच्छा लगता है कि अपने हिसाब से जी तो रही हो। सिखाए तो मुझे अपने पति मनीष भी है, जियो ने पति बनकर धोखा दिया। 7 सालों में अपनी जरूरतों के अलावा कभी भी उन्होंने अपने पति होने का वादा नहीं निभाया। अगर कभी आस लगाई तो हमेशा बेटा और भाई ही नजर आया। उस वक्त तो आस बिल्कुल ही टूट गई जब 2 साल के इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी में चयन हुआ। लेकिन मम्मी जी उबर कर लिया कि वह नहीं संभाल पाएगी, जबकि सिर्फ 8 घंटे की बात थी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाती। और आज मम्मी जी नीरा के ऑफिस जाने के बाद उसके बेटे को दिन रात संभालती हैं और उन्हें अब कोई दर्द या बीमारी भी नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे साथ हुए धोखे का विवरण है। अगर बच्चों के बीच का धोखा बताया तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। आज सुबह से काम में लगी हुई और सभी बड़ी बहू का फर्ज हर समय याद दिला रही, लेकिन किसी ने ये भी याद नहीं रखा कि उसे भी एक पल आराम की जरूरत है। क्योंकि मैं बड़ी बहू और सबका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। रिश्तेदारों में सब तरह ये चर्चा होनी चाहिए कि माला जी की बहू बहुत गुणी और लायक है। लेकिन कभी मुझसे नहीं पूछा कि मेरे ससुराल वाले मेरी नज़र में कितने लायक है, क्योंकि बड़ी बहू की सोच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते बोलते आरुषि सूप हो गई और उसने नम आँखों से सबको देखा और फिर गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली गई आराम करने, क्योंकि कल सुबह उसे फिर से बड़ी बहू का फर्ज निभाना।